मैं जो कुछ अब कहने जा रहा हूँ हर्बल क्रांति के विषय में, आप उसका लाभ उठाएं और एक दूसरे को बताएं कि आप स्वस्थ कैसे हो रहे हैं, किस क्रिया से स्वस्थ हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पेट उधर जो है वो साफ कैसे जो हम और आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो पचता है या नहीं पचता है, उससे गैस्ट्रिक होती है, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है, तो सबका जड़ पेट। और उस पेट को साफ करने के लिए किस किस चीज का उपयोग करना चाहिए, जल है, अन्न है, फल है, हवा है, ये सारी चीजें आपको सोचना है और उसका नियमित व्यवहार करना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ गैस्ट्रिक गैस के विषय में, पेट में अफरा होता है, गैस बनता है, वह कोई बीमारी नहीं है, वह कोई रोग नहीं है, उसका निदान संभव है, 100% संभव है। वह एक मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, आदमी जब चिंतित रहता है, तनावग्रस्त रहता है, कुछ भी चीज पैंक्रियाज के माध्यम से जो अंदर जाता है, पेट में जाता है, वो पचता नहीं है, लार बनती नहीं है और पचता नहीं है, जब अपच हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि पेट में जलन होगा, गैस बनेगा और उसका उपचार नहीं होगा। इसलिए आपको अशांत जीवन को त्यागना होगा, मानसिक तनाव को त्यागना होगा। मैं जानता हूँ अपने देश परिस्थिति काल में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको तनाव उत्पन्न करते हैं, फिर भी जब आप उस परिस्थिति में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस ईश्वर की याद आती होगी जिसको आप मानते हैं, जिस धर्म से आप जुड़े हैं। ऐसी परिस्थिति हम उसको उत्पन्न न होने दें, इसलिए आपको प्रसन्न रहना है और बताई हुई चीज को आपको नियमित प्रयोग में लाना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको करना यह है, एक आधा ग्लास गर्म पानी ले, गुनगुना गर्म पानी, उसमें एक नींबू का रस मिला लें और पिए सुबह और शाम। इससे घबराहट, पेट की बेचैनी जो गर्म है, हवा नहीं खुलती है, गुरगुराहट है, ये सब सारी उससे दूर हो जाएगी। साथ साथ नज़ला, सर्दी जुकाम भी इससे दूर हो जाएंगे। इसके साथ एक और उपचार आपको करना है, 3 या 4 लौंग के दाने ले लीजिए, उसको घीच लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए, उसके साथ इसको सुबह और शाम पीजिए। गैस की बीमारी से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी।